पति से बेवफाई के आरोप लगने के बाद सुर्खियों में आई एसडीएम ज्योति मौर्या पर अब गाना भी बन गया है। कुछ ही दिनों में यह खबर हर किसी की जुबान पर है। एसडीएम ज्योति मौर्या की आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है। उनके पति ने उन पर बेवफाई के आरोप लगाकर व्हाट्सएप चैट वायरल किया कि हर तरफ हंगामा मच गया। हर कोई उनके बारे में ही बात करने लगा और अब तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर गाना भी बन गया है। यकीन मानिए, इतने कम समय में गाना मार्केट में उतार देना भी एक रिकॉर्ड है। लोग सोचते उससे पहले ही फटाफट लिरिक्स भी लिख गए, म्यूजिक भी बन गया और गाना गा के गाना रिलीज भी कर दिया गया। और अब बारी है इस गाने के भी वायरल होने की, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो एसडीएम ज्योति मौर्या की खबर ने आग ही लगा दी है। और सोशल मीडिया की ताकत तो आप जानते ही हैं। उनके पति ने भी इसी ताकत का सहारा लिया और ज्योति मौर्या की चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और कुछ ही दिन के अंदर यह खबर पूरे देश के लोगों तक पहुंच गई। एक बार सुनिए कि आखिर ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने उन पर क्या आरोप लगाए थे। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया, बहुत खुशी का माहौल था सर। मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों का एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्या और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्या का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्या दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्या मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहां तक कि ज्योति मौर्या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। आलोक मौर्या के आरोप लगाने के बाद चैट वायरल क्या हुई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई एसडीएम ज्योति मौर्या के पक्ष में खड़ा दिखा तो कोई आलोक मौर्या से सहानुभूति दिखाने लगा। लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्या भी मीडिया के सामने आई और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी, साथ ही अपने पति पर भी कई आरोप जड़ दिए। जानना चाहेंगे आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए, पूरा मामला क्या है? देखिए आलोक श्री आलोक कुमार मौर्या के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्या ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। पति पत्नी के बीच का ये विवाद नेशनल मुद्दा बन गया। अब चाय पर, चौपाल पर और चर्चाओं में आलोक और ज्योति मौर्या छा गए। और इतनी चर्चाओं के बीच कमी थी तो एक गाने की, और उसमें बाजी मार ली एक भोजपुरी सिंगर ने। और पति पत्नी के बीच के इस विवाद को उन्होंने एक गाने में पिरोकर दर्शकों के सामने पेश कर दिया है।